शिल्पायन के शुभेच्छियों और सदस्यों, माननीय सदस्यों, शिल्पायन के पदाधिकारीगण, मैं देवाशीष देव अध्यक्ष और डॉक्टर रागिनी शर्मा प्राचार्य शिल्पायन प्लस यहाँ पर सचिव के रूप में सचिव आज आप सभी का यहाँ पे अपने ही परिसर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल आज का है। ये जो शिल्पायन जो कुछ भी कर रहा है आपके सहयोग से हम सब मिल करके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शिल्पायन के लिए भी, हमारे काशी के लिए भी, काशी के संगीत के लिए भी, शास्त्रीय संगीत के परिदृश्य के लिए भी, और मुझे लगता है कि हम अपने देश की भी एक तरह से सेवा कर रहे हैं। देश सेवा में जिस प्रकार से सैनिक लगे होते हैं, जिस प्रकार से एक मजदूर लगा होता है, जिस प्रकार से एक प्रशासनिक लोग लगे रहते हैं, साथ में हमारे राजनेता लगे रहते हैं, तो हम संगीत के लोग भी तो सेवा करने के हकदार हैं और हम लोग भी ये सेवा बखूबी कर रहे हैं एक नए जनरेशन के नव निर्माण। यहाँ पे इस परिसर में हमें ये संवाद पहले भी करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, हमेशा करना चाहिए था, लेकिन कुछ वर्षों का एक अंतराल आया था, मानवता थमी थी तो हम भी थम गए थे। तो हम लोगों ने उसमें एक रास्ता निकाला था ऑनलाइन का, और ऑनलाइन में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सबका प्यार दिखाई दिया कि बना हुआ है, तो हमें हिम्मत मिली और हम कुछ कुछ और उस काल में भी जबकि सब कुछ थमा हुआ था हम नहीं थमे थे। ये प्रमाण है। प्रमाण इस प्रकार का है कि 21 मई, 21 याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, एक तो 21वीं शताब्दी थी, 2021 यानी 21वां साल भी था, 21 मई भी था और वो 21वां हफ्ता भी होता है, आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 21वां सप्ताह भी था, तो हर कुछ 21 में है, तो याद रखने में क्या दिक्कत है। 21 बड़ी शुभ संख्या होती है और इसी शुभ संख्या के सहारे उस दिन इस भवन का जो छोटा सा भवन है इसको हम लोगों ने रजिस्टर करा लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम हम लोगों के लिए था क्योंकि हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, हम लोगों को हिम्मत बढ़ाया कि हम लोग उसको आगे ऐसा कुछ कर सके। और मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने इतना सपना भी इतना बड़ा नहीं देखा था, लेकिन ये पूरा हुआ है तो लग रहा है कि हाँ, हमारे सपनों की उड़ान और बड़ी हो सकती है। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी श्री निर्मल जोशी जी यही कह रहे थे कि अब आपको और बड़े स्थान की जरूरत है और इसको और बड़ा पट देने की जरूरत है इसको, जिससे कि ये और अधिक आगे बढ़ सके। तो आप सबकी शुभकामनाएं हैं, भगवान ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। तो फिलहाल आज हम लोग कुछ इसी बातों पर चर्चा करने के लिए कुछ छोटा मोटा डेट आपको याद दिला रहे हैं कि 21 मई 2021 को यह भवन खरीदा गया। उसके बाद उसमें निर्माण चला, हमें लगता है करीब 10-11 महीने तक चलता रहा, क्योंकि पुराने मकान में वो भी गली के अंदर काफी दिक्कतें आती। लेकिन श्री अनिल नारायण किंजावड़ेकर जो कि काशी के एक अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, उनके पूरी देखरेख में ये काम हुआ। तो 21 मई 2021 को भवन खरीदा गया, 10 अप्रैल 2022 को यहाँ वेद पाठ के द्वारा इसका अभिषेक किया गया, भगवान को समर्पण करते हुए उनको अर्पित किया, और फिर 21 मई 2022 को इसका संगीताभिषेक भी किया गया साल भर पूरा होने के बाद। इस दौरान इसके बाद जिन जिन यहाँ पे महानुभावों के चरण यहाँ पे पड़े उनका नाम अगर आप देखेंगे, याद करेंगे, आप जानते भी हैं, लेकिन याद करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं, पद्मश्री शाहिद परवेज जी, पद्मश्री शोमा घोष, पद्मश्री शेखर सेन, पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी, पद्मश्री ऋतिक सान्याल जी और पद्मश्री डॉक्टर चूड़ामणि जी। ये तो हमारे पद्म पुरस्कार वाले थे, और भी लोगों से हमारी चर्चाएं चल रही हैं। साजन जी
खुद ही कहते हैं, हमने कहा कि उनको किसी कार्यक्रम में बुलाना भी है लेकिन अभी हो नहीं पाया है क्योंकि जब वो बनारस में रहते तो मेरे ऐसा कुछ आयोजन इतना अच्छा नहीं होता कि हम उन्हें बुला सके, लेकिन कहीं एक दिन कोइंसिडेंस बनेगा जरूर। इसके अतिरिक्त बनारस के काशी के गौरव हैं पंडित पूरन महाराज जी, यहाँ पे बहुत बार आते हैं। बहुत बार आने से ऐसा लगता है कि वो एक आम व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, वे काशी के गौरव हैं। पंडित किशन महाराज जी के सुपुत्र होने के साथ साथ बनारस बाज के तबले के एक धुरंधर कलाकार भी हैं, जानकार भी हैं, गुरु भी हैं। साथ में प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी जो कि मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में वाइस चांसलर भी थे और साथ में यहाँ पे बीएचयू में डीन वगैरह पोस्ट कई रहे हैं, तो आज शहर में निवास कर रहे हैं, यहाँ के ही हैं, उनका भी आगमन हुआ। और ये सभी एकेडमी अवार्डी हैं जो कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने इनको अवार्ड दिया हुआ है, पूरन महाराज जी को भी, चित्तरंजन ज्योतिषी जी को भी, और शरद मणि त्रिपाठी जी जो गोरखपुर के हैं उनको भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने अवार्ड दिया हुआ है। तो ऐसे विशिष्ट कलाकार और गुरु या संगीत वेत्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दो अवार्डी ऐसे ही हम लोग हैं, एक मैं हूँ और एक पंडित किशोर मिश्र जी हैं, हम लोग भी संगीत नाटक अकेडमी के अवार्डी हैं। इसके अतिरिक्त कई बड़े कलाकार हमारे यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए, जैसे शाहिद परवेज जी के सुपुत्र शाकिर खान जी। इसके अलावा असगर हुसैन जी दिल्ली से आए थे, अजय प्रसन्ना दिल्ली के, शोभा चौधरी इंदौर की, वेदांतिका मुखर्जी कोलकाता की, पंडित असीम चौधरी जी कोलकाता के, पंडित प्रभात कुमार जी दिल्ली के। और यंग कलाकारों में बाहर के कलाकारों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि लोकल तो हमारे स्थानीय कलाकारों से हमारे एक भाईचारा है ही है, वे तो आते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहर से भी यहाँ पे आए उनका हम विशेष उल्लेख कर रहे हैं, दिव्यांग श्रीवास्तव जो संतूर के अच्छा कलाकार है। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ राय चौधरी जो कलकत्ता में एक अच्छे जानकार और बहुत ही पॉपुलर गुरु हैं, जिनके सिखाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी गण बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो उनके सिद्धार्थ राय चौधरी आकर के यहाँ पे अपने विद्यार्थियों को लेकर के, खुद नहीं बजाए लेकिन विद्यार्थियों से जो प्रस्तुति कराई वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इसके अतिरिक्त श्रुति दे जो सरोद बजाती है, यंग कलाकार है लेकिन काफ़ी अच्छी कलाकार है, फिलहाल वो अमेरिका में रहती है यूएसए में, वो भी आके यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत की और यहाँ पे आयोजित भी किया उसने ये कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ दो अच्छे आयोजन और भी हुए, एक था इंडो जापान और एक था इंडो नेपाल। इंडो जापान में जापान के गुमी नाकागुची ये कम से कम 20 विद्यार्थियों को लेकर के, उनके अपने सभी जापानी विद्यार्थियों को लेकर यहाँ आए, यहाँ पे वर्कशॉप हुआ। ना केवल उन्होंने यहाँ पे गाना सीखा अपने संगीत की और हमारे संगीत से जो उन्होंने सीखा था वो यहाँ प्रस्तुत भी किया, जिसमें से एक बांसुरी वादिका तो इतना अच्छा बजा रही थी कि आश्चर्यजनक ही था, पूरे कमांड था उसके ऊपर। एक भारत का जो एक साधारण या थोड़ा अच्छा कलाकार जितनी प्रस्तुति करता है वो स्वयं कर रही थी, महज 27 साल की लड़की थी। और ऐसे वो जो जापान से जो गुमी नाकागुची, वो तो बहुत ही अच्छा बजाते हैं, पहले से ही बजाते हैं हमारे विद्यार्थी, तो वे हम लोगों से सीखने भी आए, हम लोगों से संवाद हुआ, सब कुछ हुआ, साथ में एक चीज और भी हुआ, वो खाना बनाने भी सीखे। रागिनी से खाना बनाने की ट्रेनिंग हुई सभी लोगों को, जितने भी लोग थे उन लोगों ने खाया भी, क्या क्या बना था रागिनी बताइए, टेस्ट लेकिन बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने भी खाया था। और थोड़े दिन पहले अप्रैल में नेपाल से एक दल आया था, शायद उसमें भी करीब 15-18 लोग थे, हाँ 18 लोग करीब थे, और उसमें से भी एक जो वो यहाँ पे आए हम लोगों से सीखने के लिए और यहाँ पे अच्छा संवाद हुआ आपस में हुआ, तो एक तरह से नेपाल से टीम आई, जापान से टीम आई, सब मिला करके हम लोगों का ये शिल्पायन का जो शिल्पायन की सुगंध है बगिया की, वो थोड़ा दूर तक फैल रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम इस खुशी को आप लोगों के साथ बांटना चाहते थे। इतना नहीं हो
इस दौरान हम लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें जो हम लोग कर पाए हैं वो बताना चाहते थे आपसे। ये फॉर्मल सेक्रेटरी रिपोर्ट की तरह होनी चाहिए थी, लेकिन हम अभी फॉर्मली नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल में होने का प्रावधान है, और 5 साल जब होगा तो हम लोग जरूर करेंगे उसका। हमें लगता है अभी ये 2026 में होगा, 2026 में होगा। ये केवल हम लोग के इनफॉर्मल मीटिंग है, फिर भी उपलब्धियां हैं तो शेयर करनी चाहिए। हम लोग ने इधर रिसेंटली वोकल के साथ साथ तबले में, हारमोनियम में और कथक नृत्य में भी पैर रख चुके हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ रखे हैं। तबले की क्लास में कई सारे विद्यार्थी हो गए हैं, और पंडित किशोर मिश्र जी बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत सहृदयता के साथ सिखा रहे हैं बच्चों को। उसमें से बच्चों ने काफी कुछ सीखा भी है, एक आध बच्चों की प्रस्तुतियां भी हम कराई जा रही है। एक बहुत अच्छा बजा रहा है, एक थोड़ा सा शुरू किया, इस तरह से उनको मौके दिए जा रहे हैं जिससे कि वे आगे बढ़ सके। हारमोनियम में हर्षित उपाध्याय हमारे विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे हारमोनियम की शिक्षा दे रहे थे। एक बैच होते होते अब 2 बैच हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपना जो चरित्र है वो नहीं खोया है, हम शास्त्रीय संगीत में है। तो वो हर्षित उपाध्याय के हारमोनियम क्लास में एक काफी विद्यार्थी बढ़ते चले जा रहे थे, मतलब अभी 2 बैच किया गया है, आगे जिस प्रकार बढ़ते रहेंगे उसके बैचेस बढ़ाए जाएंगे। लेकिन हमने अपना चरित्र नहीं खोया है, वही शास्त्रीय संगीत की ही शिक्षा दी जाती है। हम अगर पॉपुलर म्यूजिक की ओर घूमें तो शायद और ज्यादा हम पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन कहीं फिर हम पथ भ्रष्ट या पथ विचलित भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो पाए इसका हमारा पूरा प्रयास रहता है, और ये रहेगा भी हमेशा। हम अपना चरित्र बनाए हैं तो उस चरित्र को खोना नहीं चाहते। शेरबाइन का चरित्र भारतीय संगीत, विशेष रूप से राग संगीत को लेकर के है। उस राग संगीत को, शास्त्रीय संगीत के चरित्र को हम किसी भी तरह से विचलित नहीं होने देना चाहते, नहीं तो कैसियो और गिटार ये सब के आधार पर बहुत सारे स्कूल्स जो है वो काफी विद्यार्थी जुटा लेते हैं, चल पाते हैं आगे की नहीं ये अलग बात है। हमारे शिल्पायन में कदम रखने से के बाद बहुत सारे स्कूल खुले, ये बड़ी उत्साह का विषय है। उत्साह इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान किसी एक मोहल्ले में अकेली खुलती है तो वो उतनी अच्छी नहीं चलती है, वो जहाँ चलती वहां पे है जहाँ पे 5-7 दुकान एक साथ खुल जाती है। जब आपको पता रहता है कि फलानी चीज लेना है तो दाल मंडी में अच्छी मिलती है तो वहां जाते हैं। क्यों दाल मंडी में जाते हैं? क्योंकि वहां पे 12-14 दुकानें एक साथ मिलती है। इसलिए आपको अगर बताया जाए कि एक दुकान लंका पे है तो शायद आप ना जाए। तो ये सोच होती है। तो हम बनारस में देखना चाहते हैं कि एक नहीं यहाँ पे 50 स्कूल खुल जाए, और वास्तव में बहुत अच्छे खुले हुए हैं। हम इधर सोनारपुरा में और अलग अलग जगहों पे सबका मैं देखता रहता हूँ, काफी विद्यार्थियों के साथ लोगों ने अपना स्कूल खोला हुआ है, लगातार खुल भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि हमारा काम बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास आप डॉक्टर का एक क्लिनिक खोलते हैं तो उसमें कुछ सर्दी खांसी वाले आएंगे तो कुछ टिपिकल केस भी आएंगे जिनको अपना इलाज कराने के लिए किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और ये बड़ा डॉक्टर हमेशा यहाँ पे शिल्पायन बैठा हुआ है। तो जितने क्रॉनिक डिजीज वाले आएंगे वो यही आएंगे। तो पहले के डिजीज तो इसलिए हम लोग रेफर्ड केस में बहुत आगे बढ़ गए हैं। जो थोड़ा वहां सीख रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि थोड़ा और डीप जाना है तो बड़े आसानी से यहाँ पे चले आ रहे हैं। तो जितनी अच्छी इसका फैलाव होगा, बनारस एक ऐसा हब बन जाएगा, और जिसके वजह से आज बनारस में हमारे 250 विद्यार्थियों में से हमें लगता है कि 250 विद्यार्थी जो है वो बनारस के बाहर के हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें से 100 तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कमरा ले करके, पूरा घर से उनका पूरा खर्चा आता है, वो कमरा लिए हुए हैं, खाना बनाते हैं दिन भर। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हमें आश्चर्य होता है, ना केवल लड़के बल्कि बड़ी संख्या में लड़कियां। मैंने ऐसा कि बैच जब देखते हैं तो आधे से ज्यादा बाहर के रहते हैं सब, बिहार, पूर्वांचल, गोरखपुर से लेकर के मध्य प्रदेश से काफी बच्चे, और बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं। जो हम लोग का अभी 2 दिन पहले बॉयज महफिल हुआ उसमें एक मध्य प्रदेश का था गौरव दुबे, दूसरा शैलेश मिश्रा का है वो है गोपालगंज बिहार का,
और तीसरा पीयूष निगम आया था वो चौथ, समझ लीजिए कि तीन बच्चों को हम लोग चुन के गवाए, वो तीनों ही बनारस के बाहर के थे, जौनपुर, गोपालगंज जो काफी दूर है, और साथ में वो एमपी में कहीं सतना या रीवा साइड का है, उधर का है। तो सभी जो बनारस के बच्चों से भी ज्यादा उत्साह दूसरे जगह का होने का मतलब है कि वे और भी आएंगे। देश बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, सीखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको यहाँ पे आने के लिए ये बनारस को पुनः एक हब का रूप लेना पड़ेगा। ये शिल्पायन द म्यूजिक हब है, ना केवल मात्र शिल्पायन। तो ये हब की संकल्पना है कि जो दूर दूर से लोग इसलिए आए तो ये जरूर होना चाहिए, तो ये हमें दिखने लग गया है। फिर हम लोगों ने कथक डांस शुरू किया, इसका भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया है कि अब हमें लगता है कि उसका भी दो बैच बहुत जल्दी करना पड़ेगा। लगातार कथक के लिए बच्चे आ रहे हैं, चार आते हैं, दो छूट भी जाते हैं, फिर दो नए आते हैं, होता रहता है, शुरू में ऐसे ही चलता है, चल रहा है। अब आपको सुन के खुशी होगी, वैसे तो हम लोगों ने सोचा है कि बांसुरी का भी क्लास चलाएंगे, क्योंकि बांसुरी में दो आते हैं बच्चे, लड़के बहुत सीखते हैं गिटार में, लेकिन वो गिटार में हब स्पेनिश, तो जिससे कि मतलब उसमें रागदारी बजे, उसका भी शुरू कराएंगे। अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि हमें गिटार सीखना है, तो मम्मी कहती है कि गिटार का कोई जगह बताओ तो सिखा देते। तो गिटार में सब ज्यादातर वही वाले हैं जो पॉपुलर गाने को लेकर के छोटा छोटे छोटे दायरे में चलते हैं, उसमें बहुत शिक्षा नहीं होती है, अनुकरण होता है, कॉपी होता है। तो ये जो गिटार में जब उनको ये मालूम चल जाएगा कि इतना कुछ सीखने को है तो आएंगे यहाँ पे लोग, तो इसका भी करना है, थोड़ा रुक के कर रहे हैं। और अगर कथक नृत्य लोग सीखने आएंगे तो भरतनाट्यम भी आएंगे, ये भी है। लेकिन एक बड़ी चीज अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने कदम रख लिया है, वो है शिल्पायन का योगा क्लास। सुबह छह से सात का वक्त होगा, और संभवतः इस 1 अगस्त से इसके बाद से शुरू करेंगे, हफ्ते में 3 दिन होगा। हमने एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से बात कर लिया। अब शिल्पायन में जो योग सिखाने आए वो अगर बोले ऐसा बेसुर आवाज कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ सब लोग बोले अजीब सा आवाज आती है, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ बेसुरी आवाज थोड़ी आएंगे। तो हमने जो इंस्ट्रक्टर चुना है वो म्यूजिक से PhD भी है, और वो PhD में ही योगा की ट्रेनिंग भी देते हैं, मैंने वहां पर उसको वो अच्छे ट्रेंड योगा टीचर होने के साथ साथ, योग टीचर के साथ साथ, उसके साथ साथ वो PhD भी है म्यूजिक से, और म्यूजिक में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में वो गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम भी कर रही है, यानी उसका डेप्थ अच्छा है। हमारी पुरानी विद्यार्थी है डॉक्टर सौम्या मिश्रा, सौम्या मिश्रा को जानती हूँ, तो सौम्या मिश्रा से बात हो गई है। अब हमें तलाश है कुछ विद्यार्थी जो ये शुरू करना चाहते हैं, सुबह 6 से 7 जो उठ के आ सकता, मैं नहीं आने वाला, और रागिनी अगर आ गई तो वचन भी ये ऊपर से नीचे भी उतर पाएगी, तो पता नहीं। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो योग का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और रोज करेंगे तो उनके संगीत के लिए और अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त हमारे कई विद्यार्थी बाहर जा जा के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, थोड़े ही दिन के अंदर डालिया, आद्या और जयंतिका तीनों जाकर के इंदौर में कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम करके आए। उसकी रिकॉर्डिंग शिल्पायन के यूट्यूब चैनल में लगी हुई है, और उसमें 2-3 लोगों ने ऐसे भाषण दिए हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा इमोशनल होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि आप अगर उसको सुनेंगे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि लोगों के ऊपर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2 लोग तो इतना सीनियर लोग थे, उन लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतने खुश थे कि वो रोग है रोल है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, इतना प्रभावशाली इन लोग का कार्यक्रम रहा है। क्यों भाई याद आ रहा है? उसी तरह अभी थोड़े दिन पहले हमारे 3 विद्यार्थी जाके गोरखपुर में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, आशी बत्रा, रिद्धिमा गुप्ता और प्रज्ञा गुप्ता, तीनों लोग, ये तीनों जाकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करके आए, वाहवाही हुई, लोगों ने तारीफ की। हमें लगता है कि हमारे जो सभी लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट हो सकता है, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद या आसपास की कोई, और जौनपुर, इधर पटना, गया, कहीं भी हो, लेकिन एक छोटे छोटे ग्रुप्स हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में जाने चाहिए,
काम कुछ बिल्कुल एकदम आने जाने का खर्चा भी मिल जाए और उनके रहने का व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जाके परफॉर्म करने को तैयार है। लेकिन इसके लिए आप लोग सीनियर लोग जरूर प्रयास करिएगा, जहां आपको कोई मौका मिले उसमें केवल हमारा बच्चा या उसका बच्चा ना देख करके शिल्पायन के लिए काम करिए, क्योंकि शिल्पायन के लिए काम करेंगे तो उसमें सारे लोगों के बच्चे आपके आगे निकलेंगे। और यही सूत्र है, अगर हम केवल अपना लेके चलेंगे तो हम कभी ही आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सबको लेके चलना चाहिए। सभी लोगों को सबको लेके चलेंगे तो आज सहयोग से कहां कोई चला जाएगा समझ नहीं आपको, ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो कोलकाता की जैसे बात हो चुकी है ऑलरेडी, वो सिद्धार्थ राय चौधरी जी अपने बच्चों को लेके यहाँ पर इसीलिए कार्यक्रम करके गए कि आगे जा करके वहाँ पे हम लोग के बच्चे जाके वहाँ कार्यक्रम करें, उनसे हमारी थोड़ी बात चल रही है। हो सकता है कि इस जाड़े में हमारे यहाँ से एक टीम जाए करे। अभी थोड़े दिन पहले वायलिन बजाने के लिए रोहन नायडू हमारे विद्यार्थी आए थे रायपुर से, उनसे हमारी चर्चा हुई, इससे भी हमने कहा, उसके पिताजी से भी चर्चा हुई तो कि इसको आदान प्रदान को और मजबूत किया जाए, तो वो कोई बात हुई है, देखिए क्या उसका परिणाम आता है। हम लगातार लगे हुए हैं कानपुर के लिए, अभी सारदा जी ने कुछ कहा हुआ है कि वहाँ पे कुछ करने वाले हैं, तो हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी ही ये काम हो जाएगा। इससे पहले सारदा जी हम लोगों के यहाँ के बच्चों को और हम लोगों को भी ले करके बॉम्बई में कार्यक्रम बहुत जबरदस्त करा चुके, उसमें हम लोग के शायद 10 लोग गए थे, हमारे समझ से 10-12 लोग गए थे, सब लोग जा करके वो संगीत का धमाल वहाँ मचा है, इतना आनंद आया है कि आप कह नहीं सकते। इन सब चीजों के द्वारा हम अपने बच्चों को बाहर भेज करके उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ संगीत का भी एक अच्छे संगीत का प्रचार प्रसार दूर तक कर सकते हैं, क्योंकि बनारस का संगीत बहुत ही समृद्ध परंपरा है। ये संगीत भारत भर में इस समय लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि ये, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ तो वहाँ पुणे से, सूरत से, सिलीगुड़ी से, जगह जगह से लोग उनसे ऑनलाइन जो सीखते हैं तो वो कहते हैं कि बोले कि यहाँ पर भी कजरी लोग गाते हैं लेकिन ये तो नहीं मिलती है। मतलब यही तो बात है, आप चाहते हैं कि सब कुछ पैकेट में आपको वहाँ मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको उस खाने को खाने के लिए आपको उस जगह पे जाना जरूरी है, तब जाके आपको उसका भरपूर स्वाद मिलेगा, बाकी जगह तो वैसे ही होता रहता है। तो फिलहाल शहर में भी अभी बात हो रही थी कि कुछ जगह में लोग आपस में संस्थाओं से बातचीत करके करें, जो संस्थाएं हमारे साथ हैं और हमारे संस्था को मौका देती है उसमें कला प्रकाश का नाम अग्रणी है। 6 अगस्त को कला प्रकाश के 7 विद्यार्थी हमारे यहाँ से, उनका नाम का चयन हो चुका है, वे वहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे, बड़ा समारोह होगा सूर्या होटल में। सूर्या होटल में से पहले बहुत कार्यक्रम हुए हैं, मैं तो गए ही हूँ 2 बार और सुकरपा जी गाई है और कई लोगों के कार्यक्रम वहाँ पे हुए हैं, वो अपने यहाँ से सोहिनी, आयुश्री, और इसके अलावा कला प्रकाश के और भी कई कार्यक्रम, एक कजरी उत्सव का होता है तो उसमें डांडिया का गायन भी हो चुका है और ग्रुप में भी काफी लोगों ने गाया हुआ है पहले, जिसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ कुछ है भी, अभी भी यूट्यूब में आपको मिल सकते हैं पुराने उसमें। और बहुत सारे कला प्रकाश के कार्यक्रमों में हम लोगों ने संस्कृत श्लोक वगैरह का भी किया है, तो काफी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसी प्रस्तुति लोगों ने की। मैं वो खुद ही मैंने रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल से, वो उस दिन मेरा नया मोबाइल आया था तो उसी से पहले रिकॉर्डिंग वही किया था, तो हम और फिर मानस आता था, मानस को मैंने दिया, वो किया था पूरा उसको, जब वो अभी लगा हुआ है इतना सुंदर उसकी चारों का मिला हुआ आवाज। इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम में सोहिनी और चारू ने भी मिल करके वो संस्कृत के श्लोक का किया था, ऊपर नीचे की आवाज का जबरदस्त था। ऐसी 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 प्रस्तुतियां कला प्रकाश ने करवाई है, तो अभी उन्होंने ये कहा हुआ है 6 अगस्त के लिए और हम लोग इसकी तैयारी रिहर्सल चल रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त TFC जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां पे तो हमारे कार्यक्रम बच्चों के बहुत बार हो चुके हैं। वो सुबह बनारस में तो आप जानते ही अक्सर होते थे, इधर बहुत दिन हुए नहीं, फिर शायद होंगे। जिम स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ कि आपको क्या बताएं। उस दिन हम लोगों ने रामनवमी का दिन था शायद, और राम भजनों का और बाकी देवी के गीतों का लेकर के हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी थी, हर एक प्रस्तुति इतनी अच्छी थी कि आपको हम बता नहीं सकते। लोगों ने इतने उत्साह के साथ 2 घंटा 2.5 घंटा तक बैठ करके पूरे कार्यक्रम को सुना कि देखते ही वही।
उसके बाद एक नव भारत निर्माण समिति, उनके ब्रिजेश सिंह जी हमारे यहाँ खुद आए, यहाँ पे एक दिन आके बोले कि हम नहीं जानते थे, परिचय हुआ हमको तो पता भी नहीं था, तो पता चला कि वो यहाँ पे अधिकारी कहीं पर है एक्सेस में, और वो उनका एक बहुत बड़ा प्रांगण है जो कि खुला हुआ है और आधा ढका हुआ है, तो उस आधे ढके हुए वाले में सारे बच्चे जाके कार्यक्रम करते थे, उसमें पूरा शीशा लगा हुआ है, तो जो लोग खुले में बैठते हैं वो अंदर एसी में बैठे हुए बच्चों का गाना बाहर खुले में ऑक्सीजन लेते हुए सुन सकते हैं। तो जिनको जहाँ बैठना है, किसी को अंदर बैठ के एसी की हवा खानी थी, किसी को बाहर खुली हवा में बैठना था, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये आइडिया तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें लगता था जो बंद हॉल में है वो बंद में रहता है, खुले वाले खुले में रहते हैं, यहाँ तो एकदम बिल्कुल उल्टा हो गया, वहाँ जो अंदर बैठे हुए शीशे में वो बाहर से देख रहे हैं, और उन्होंने फिर पूरे जो लॉन है, बड़ा सा लॉन है काफी बड़ा, उसमें हर जगह जो स्पीकर होते हैं ग्राउंड में हरे हरे रंग के, पता भी नहीं चल रहा कि ये स्पीकर है, पूरे उसमें लगा रहे हैं, लोग वहाँ बात भी कर रहे हैं तो गाना भी सुनते जा रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, और जो अंदर बैठे हैं वो सीरियसली अपना अच्छे से गाना बजाना कर रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर से आनंद ले रहे हैं, कुछ अंदर बैठ के ले रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ के हमने तो सोचा भी नहीं था, हमें लगता है 125 या 150 यहाँ के लोग शहर के उतना दूर पहुंच गए, ये काफी उधर वो भोजवीर के अतुलन के आगे जाकर के हाईवे पर जो बावतपुर का वो बाईपास है उधर आगे जाकर के तरना से पहले उधर एक जगह पे है, तो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ के शहर के काफी लोग गए और पूरा खाना वगैरह सब मिला करके इतना आनंददायक उस दिन बीता है शाम, मुझे लगता है जो लोग भी गए थे बड़े आनंद से किया था। हरमन प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में आप देख ही चुके हैं वो कार्यक्रम तो यादगार था ही, होली पर आधारित था, 3 दिन का वर्कशॉप करने के लिए बात हुई थी, और 3 दिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां के खेमका जी जो हमारे विद्यार्थी भी है उन्होंने कहा कि अभी आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा कि मैं शिल्पायन जा रहा हूँ, बोले आप चलिए मैं आता हूँ, और वो रात को 10 बजे आके कहते हैं कि कल आप इसका एक कार्यक्रम कर लीजिए, तो हमने कहा मतलब, तो बोले कि हम सारा व्यवस्था करा देंगे, जैसे 3 दिन कराए 4th दिन भी करा देंगे, आप वहां पे पूरा कार्यक्रम करिए, जो आपने 3 दिन सिखाया उसकी प्रस्तुति करवाइए। हम कहेंगे तो बड़ा अच्छा आइडिया, रातों रात हम लोगों ने तैयारी की कि कौन किस ग्रुप में गाएगा क्या करेगा क्या करेगा, रात एक ही रात में सब तैयारी होगी, और सब लोगों ने गा भी दिया, सब कुछ बड़े सुंदर से होगा, 4th दिन यादगार दिन था, ऐसी होली तो ऐसी होली न खेलो कन्हाई ने टाइप का था कि वो जबरदस्त जैसे कोई ब्रिज की होली हो वैसे यादगार एक होली का होली की शाम बीती है। तो ये सब कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ, और सबसे अंत में जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं हालांकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ पे बांग्ला भाषियों की एक संस्था है लरिंचे, उसमें लगातार वर्षों से उनके जो भी आयोजन होते हैं उसमें हमारे यहाँ के बच्चों को उसमें चांस दिया जाता है, वे वहाँ पे सुंदर बांग्ला गानों की प्रस्तुति करते हैं, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, कभी कभी हिंदी गानों के भी होते हैं, लेकिन बांग्ला गानों का मुख्यतः होता रहता है। आज हमारे बीच में ललित चक्र के जो सेक्रेटरी है श्रीमती कल्पना भट्टाचार्य, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनके वजह से ये सब हो रहा है, तो हम उनको इसका शिल्पायन की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इस तरह की जो बनारस की संस्थाएं हैं लाइक माइंडेड, उन लाइक माइंडेड को साथ में लाने की जरूरत है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लोग इस प्रयास में थोड़ा और जोर लगा दें तो हमारा प्रयास पूरी तरह से सफल हो जाए। ये हमारे यहाँ के बच्चे तैयार है, किसी ने कहा भी था ना कि वो एक हमने तो जो इत्र की शीशी है वो मैंने खोल दी है, अब हवाओं को उसके सुगंध को उड़ा के दूर दूर तक फैलाना है, तो ये जो इत्र की शीशी यहाँ खुली हुई है उस थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए था कि संस्थाओं से बात करें, अगर कहीं आपका कोई कॉन्टेक्ट दूर में है वहाँ के संस्थाओं से हम लोग की बात कराइए, चाहे आप कर लीजिए, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर बाहर जा जाकर कार्यक्रम करें, इससे उनके अंदर उत्साह भी मिलेगा, रियाज करने के लिए उनको मौका भी मिलेगा, और ऐसे बाकी और भी चीजें होती है जैसे कि स्कॉलरशिप है फेलोशिप है, इधर लगातार आ ही रहे हैं, आपको पता है सौम्या चक्रवर्ती को अभी जूनियर फेलोशिप मिला है संस्कृति मंत्रालय का, जो स्कॉलरशिप होता है वो रूपम को
रूपम प्रसाद और प्राप्तिक पुराडिन को मिला है यंग म्यूजिशियन स्कॉलरशिप जो है वो मिला है, इनको फेलोशिप मिला है वो रिसर्च पेपर लिखने के लिए, इनको गाने के लिए मिला है दोनों को, प्रकाश कुमार तीन लोगों को मिला है। और साथ में जो सीसीआरटी स्कॉलरशिप है वो इस बार ईशाना चौरसिया और विदुषी वर्मा दोनों को मिला हुआ है, ये एक मौजूद है यहाँ पे। तो हमें लगता है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता चला जा रहा है, आगे भी मिलते रहेंगे। सीसीआरटी स्कॉलरशिप जो पूरे उत्तर प्रदेश में गायन में कभी चार मिलता है कभी पांच होता है उसमें से हमारे यहाँ तो आते हैं, अब उनकी संख्या हमारे यहाँ पे 37 से 38 हो चुकी है, एक बड़ी संख्या है। शुभंकर से शुरुआत हुई थी और अभी यहाँ तक विदुषी वर्मा शना चौरसिया तक पहुंचा है, तो अब तक लगभग 37-38 लोगों को मिल चुका है। तो एक बड़ी बात है क्योंकि हर साल आप 4-5 देते हैं, उसमें से भी यहाँ चला आ रहा है पिछले 15-20 साल से मिलता जा रहा है, ये आगे भी मिलता रहेगा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और प्राइजेस तो बहुत आ रहे हैं जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। एक ऐसी संस्था भी थी जिसको जो हमको नहीं जानते थे और हम उनको नहीं जानते थे, लेकिन हम देखते थे SVFAC, हमें तो फुल फॉर्म तक नहीं पता था, बाद में पता चला कि उसका नाम है स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। चलो तो हमने कहा कि किसी संस्था ने रख दिया होगा अपना नाम, स्वामी विवेकानंद के नाम से भी हो सकता रखा गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इन लोगों का जुड़ाव रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आश्रम या रामकृष्ण जी के जो अलग अलग कई विंग है उसी में से किसी एक से है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ था, लेकिन उनके फोन है कि आपके विद्यार्थी यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले ही अभी फर्स्ट नहीं आ पाए लेकिन कोई सेकंड आ रहा है कोई फोर्थ आ रहा है, जो पहले 10 लोगों का चयन होता है उसमें अक्सर आपके कई विद्यार्थी होते हैं, तो हम लोगों ने आपको सम्मानित करने का, वो हमें नहीं जानते थे, हमें जाने आपके माध्यम से। तो ये विद्यार्थियों को हमने इसीलिए अपने पोस्ट में लिखा था कि विद्यार्थियों की वजह से हमको जो सम्मान मिला या शिल्पायन को मिला ये बहुत बड़ी बात है, अपना सम्मान खुद ले लेना और खुश हो जाना वो अपनी जगह पे है। तो इसीलिए आप लोग और अच्छा करिए जितने विद्यार्थी यहाँ पे हैं, जिससे कि और आगे हमको और सम्मानित होने का मौका मिलता है, शिल्पायन आगे बढ़ेगा आप भी बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बन रहा है जिसमें आप सभी लोग पानी डालिए थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल हमें आपसे यही वो था कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शिल्पायन के बच्चों को और लोगों को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए जरूर से प्रयास करिए। तो बाकी हमारे सभी सदस्य बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन उधर शारदा जी ने तो जैसे लगता है कि पूरी झोली ही खोल दी है, इतना ज्यादा सहयोग इनका मिल रहा है कि उसको हम आभार व्यक्त करके छोटा नहीं कर सकते। हर कार्यक्रम में इनके सहयोग, आज भी पीछे पड़े थे, माला लाए ये लाए समोसा लाए। आज पहले कहा था ना कि वो नव भारत निर्माण समिति जो कार्यक्रम हुआ अभी, पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया मैंने कि किस प्रकार शीशे के अंदर से कुछ लोग एसी के अंदर बैठ के कार्यक्रम लेते और कैसे बाहर भी बता दो, तो उसके यही सूत्रधार है, तो यही ओनर है श्री ग्रिजे सिंह। मुझे लगता है कि बहुत कुछ बोल चुके हैं, थोड़ा हमारे सचिव जी को भी कुछ कहना चाहिए। कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। सभी को पुनः नमस्कार। और गुरुजी ने सब बातें से बता दी है, लेकिन जो हमारी संस्था के इस समय जो पोस्ट पे करंट पोस्ट पे है, मैं उन लोगों के नाम एक बार फिर से बोल देती हूँ क्योंकि कुछ नए हमारे मेंबर्स जुड़े हैं उनसे। एज अ स्टूडेंट तो सब लोग बहुत दिन से ही जुड़े थे, लेकिन एज अ मेंबर जो है वो भी कई सारे नए लोग जुड़े हैं, उनको शायद ना पता हो कि हमारी संस्था में कौन किस पोस्ट पे है। तो अध्यक्ष के पोस्ट पे गुरुजी हैं, सचिव के पोस्ट पे मैं खुद हूँ, और उपाध्यक्ष हमारे हमारे चाचा निर्मल जोशी जी हैं, और सह सचिव की पोस्ट पे श्री अक्षत प्रताप सिंह जी हैं, कोषाध्यक्ष जो है वो तो पीछे बैठ के अभी काम में मगन है श्री डॉक्टर शुभंकर दे जी हैं, और ऑडिटर जो हमारे हैं वो श्री टी के भट्टाचार्य जी, तन्वी मैम जो है उनके पापा हैं, उनकी मम्मी यहाँ रहती हैं, और हमारे जो पैट्रन हैं वो आदरणीय सारदा अंकल जी हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पे डॉक्टर अजीत सहगल जी जो बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप लोग जानते भी होंगे वो, और डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी मैम हमारे।
जी सागर अंकल यूएसए गए हैं, तो वो हमारी हर मीटिंग में जरूर उपस्थित होते हैं। तो और बाकी सारी बातें तो हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे भी जो उपस्थित हैं, उनमें से अगर कुछ अपने विचार भी कुछ व्यक्त करें, कुछ हम लोगों को बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं माइक देती हूँ सबसे पहले हमारे उपाध्यक्ष निर्मल जोशी अंकल की, वो कुछ हम लोग को बोले। जैसे होता है बच्चा छोटा होता है, खिलौने में अच्छा लगता है, सभी छोटी थी बच्चे खिलाते खिलाते जब बड़े होते हैं तो बच्चे अच्छे से जब बड़े होते हैं तो हमें कुछ मिलता तो नहीं, गर्व मिलता है, अच्छा खुशी होती है, चाहे वो शुभांकर हो चाहे डालिया हो, पता नहीं कितने बच्चे थे जो कि छोटे से शिल्पायन शुरू हुआ था, तो पता नहीं रागिनी खुद ही कभी इसके घर में लोहरी मनाया करते थे, रमी भैया गाना वाना गा के सुनाते थे, तो हम लोग उसमें रहते होते होते आज बनारस में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो अभी मैं एक बीच में दो बड़े बीच हुए थे यहाँ पे, काशी तबीर संगम का, दूसरा G20 का, तो G20 के तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है, जिसमें आपके विद्यालय का ये बड़ा सहयोग था बड़ा शाखा का। और तो फिर ये हुआ साहब प्रधानमंत्री के नाम पर संत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बीज होगा। तो सब संगीत की जो बात है कि संगीत के को सत्यापित कौन करेगा कि प्रश्न सही है, तो मैंने उस लिस्ट में भी दिखा रहा था पत्र मीटिंग के उसकी कि जो है शिल्पायन है, मुझे वहाँ पे DM साहब ने पूछा भी कि शिल्पायन, मैंने कहा कि सत्यापित कुछ सिखाते हैं आप लोग चाह रहे हैं कि कोई कलाकार हो उसको आप रख लें, मैंने कहा कोई भी कलाकार को रखें कुछ क्वेश्चन देखने के लिए उचित नहीं होगा, हम शिल्पायन संस्था को रखेंगे, उनके प्रिंसिपल को रखेंगे, मैंने राज्य से बात किया, वो सत्यापित करेंगे कि संगीत का ये प्रश्न सही है कि नहीं सही है, वो बुकलेट बनेगा। हमने शिल्पायन को रखा, तो जब शिल्पायन को नाम रखा ऑटोमेटिक आया, मुझे बड़ा गर्व हुआ ये जानते हुए कि आज मुझे खुद अक्सर रहते हैं ना घर की बुर की दाल बराबर, तो सोचता ये सब तो बचपन सब आए हुए ये को क्या होगा, लेकिन मुझे खुद लगा शिल्पायन इतने बच्चे अक्षत हैं और भी प्रियांशु है, ये सारे हैं सामने सामने बड़े हुए हैं, लेकिन हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि इन लोगों से कुछ पूछेंगे अगर और बताएंगे तो हम जिला प्रशासन को कमिश्नर DM को बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत ऑथेंटिक सोर्स है जिससे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि रागिनी ने ऐसा बोला है, शुभाकर ने ऐसा बोला है, पंडित देवासी देव ने ऐसा बोला है, वो तो बात की बात आती है, इन लोग के बोलने में मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि साहब ये सही होगा ऑथेंटिक होगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो मैं शिल्पायन की सबसे बड़ी सफलता यही मानता हूँ कि जब वो घर के आदमी को भी लगे ये बहुत उच्च स्तर के हैं, पता चले कि क्वालिटी कुछ और है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, और लगता नहीं है वो, मुझे याद है तलत महमूद के पोता पोती उनका इंटरव्यू चल जाता तलत महमूद के, उनके पोता पोती को ये नहीं बताता कि तलत महमूद किस स्तर के कलाकार थे, तो बाद में इंटरव्यू में पता चला कि मेरे दादा इतने बड़े कलाकार थे, उनको नहीं पता, आपके साथ सुनते होंगे उनके बड़े फेमस गाने हैं चलते हैं जिसके लिए जो तलत महमूद इतने बड़े रमी भैया जान रहे हैं, तो वो उनको नहीं पता था। आज इतना गर्व है शिल्पायन में, सबको पता है कि शिल्पायन कैसा काम कर रहा है क्या कर रहा है, तो वही कहते हैं जब घर के लोगों से गर्व होता है, तो मैंने जब शिल्पायन का नाम लिया तो मुझे गर्व की अनुभूति थी कि मैं जुड़ा हूँ, अभी तो मैंने बोला नहीं कि मैं शिल्पायन में कोई जिम्मेदारी रखता हूँ, मैंने कहा संगीत की जितनी चीजें है DM साहब मैं उनसे ही वेरीफाई करूंगा ये जितनी चाहिए, मुझे बहुत खुशी है शिल्पायन से जुड़ के, और आप सबका पुरस्कार देखता रहता हूँ, हमेशा गर्व होता है जहाँ बाहर जाता हूँ जितनी जरूर करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। जो भी राग गाए हैं उसको एक साथ एक जगह कर दिया जाए, तो हमने कहा कि 101 राग जितने हैं उनको इकट्ठा करके एक चैनल में YouTube में अलग से बना देते हैं, जिसको सुनना वह सुनेगा, नहीं सुनेगा ना सुने। तो कल की बात है उसमें 1156 लोग व्यूज आए, अच्छा ना हमने कहा कि 1156 व्यूज यानी 1156 लोगों में कम से कम 800 लोग होंगे 900 लोग होंगे जो अलग अलग देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं तो इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो ये मैंने किया तो हमको बहुत अच्छा लगने लगा। अतः रूपम से हमने ये बात की थी, वो लगातार इसको करता घर रहा है, अभी भी आज भी घंटों बैठ करके इन सब चीजों को कर रहा है, तो उसने कहा कि नहीं आप इकट्ठे मत करिए एक इकट्ठा प्रीमियर करिए। तो आज कितना नंबर था? 46 आज रात अपलोड हो गए, अभी 51 हो जाएगा, तो आधे पड़ाव पे जाके थोड़ा सा सुस्ताऊंगा, इसको भी सुस्ताने का मौका दूंगा, उसके बाद इसको 101 तक कर लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद उसे 101 को एडिट करके 121 कर लेंगे, 151 भी कर लेंगे। आप लोग शुभकामना चाहिए कि ये चैनल जो है एक ऐसा जगह बन जाए जहाँ पे जाकर के लोग अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से कम 151 रागों के बारे में जान सके, सुन सके,
उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये कम से कम यही कहें कि देवाशीष बहुत खराब गाए हैं या देवाशीष ने गलत गाए, कोई बोले तो सही। यहाँ तो सब ठहरावा गया, कोई गलत भी नहीं बोल रहा है। ये बहुत खराब चीज है। पहले लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते थे, अच्छा करते थे, हम सब उसके बारे में सोचते तो थे। जब हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो उसकी हम क्या आलोचना करेंगे। तो जानना जरूरी है। तो विद्यार्थियों में वो इंटरेस्ट पैदा हो इसके लिए किया जा रहा है। और रूपम बसाक के लिए जोरदार ताली भी कमी उसमें से किसी भी राग का नाम आप लेंगे तो मेरे साथ कौन तबला बजाया, कहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, ये इमीडिएट बताया। वो जवानी याद है, आज मैंने टेस्ट लिया था, 7-8 पूछे थे, सब बताया, याद हो गया। करेंगे तो याद होगा ना, काटना जरूरी। तो अब इसका कोई वजह नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। पहले हमने कहा हमने चैनल को मोनिटाइज करने से मना कर, मोनिटाइज करने का मतलब बीच बीच में एड आकर के सुनने का आनंद खराब कर देता है। तो हमारे शिल्पायन चैनल का मोनिटाइजेशन हो गया था, हमने स्टॉप कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करना ये सब काम। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि इसको आगे बढ़ाएगा। जैसे हमें हमारे बीच में शायद दूसरी बार आप यहाँ पे आए हैं, हाँ दूसरी बार यहाँ पे आए हैं, एक दिन आए थे हमसे परिचय करने के लिए और आज आप पूरे परिचित होकर के आए हैं। तो कुछ अपने बारे में और कुछ उसके उसके बारे में भी जरूर। धन्यवाद देवाशीष सर, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि शिल्पायन के इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। इसके लिए देवाशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, रागिनी मैम को धन्यवाद, और हमारे विनय जी हैं, कई और चेहरे परिचित हैं, डालिया और अपनी विदुषी, इन दोनों का तो मैंने कई बार गाना भी सुना है। तो बहुत अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं। आप सभी लोगों के लिए को इस उन्नत संस्थान के निर्माण के में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी भी बैठे हैं। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, जैसे सर का प्रयास बहुत सराहनीय है कि 151 लाखों के बारे में सर जो अपना YouTube चैनल के माध्यम से उसे बता रहे हैं। निसंदेह हम लोग माने जो लेमैन है, हमारे जैसा आम आदमी, वो गाना सुनता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि इस गाने की पृष्ठभूमि में कोई क्लासिकल या सेमी क्लासिकल राग है या नहीं। तो सर का ये प्रयास निसंदेह बहुत ही उत्तम है। सर उसमें तमाम सावधानियां रखे ही होंगे, मुझे मैंने देखा नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। बस मैं एक आग्रह करूंगा सर, अगर उसमें न हो तो, अगर है तो अति उत्तम, में न हो तो कि जैसे जब किसी राग पे आधारित हम कोई गायन कर रहे हैं तो उस राग की क्या विशेषता है, अगर वो आ जाए तो एक आम आदमी के लिए वो एक धरोहर बन जाएगा, आपका वो यूट्यूब लिंक जो है एक धरोहर बन जाएगा कि वो समझ सकेगा कि ये जो गाना हम अभी सुन रहे हैं, मान लीजिए ये यमन राग में है या किसी राग में भी, किसी भी राग में है, तो दोनों रागों में अंतर क्या है। तो उससे हमें लगता है कि उससे आदि संगीत की शिक्षा आपके उससे मिल जाएगी सर, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे आज मैं आया था, जैसे पिछली बार भी आया था तो सर से एक आग्रह करने आया था, आज फिर आया हूँ तो एक आग्रह करने आया हूँ, ठीक है। आग्रह ये करने आया हूँ कि सर सावन का महीना चल रहा है और सावन में हमारा बनारस जो है बम बम बोल रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप सावन में हमारे संस्थान पे आए, हमें हृदय से अच्छा लगेगा। और हमारे जो बच्चे हैं कजरी या लोक गीतों का, जैसे क्योंकि इसमें सावन में इसका बहुत अपना एक है, तो उसको बढ़िया से हम लोग सुने भी और उसको रिकॉर्ड करके शिल्पायन पे भी और अपने यहाँ भी उसको। दूसरे सर, जैसा आपको पता है कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग कराते हैं, इस बार भी हम लोग 3 दिन का बनारस लिटरेचर फेस्टिवल कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं शिल्पायन के कुछ बच्चे अपने को उस के लिए तैयार करें। सर तो मान लीजिए हमारे गुरु सदस्य है, इनसे तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ बच्चे तैयार करें अपने को, क्योंकि कुछ ऐसे सर के यहाँ तो हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, तो मैंने बहुत बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके बराबर आपकी प्रस्तुति हो। मैंने जिस मंच को वो शेयर कर रहे हैं उसी मंच पे थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे आपकी प्रस्तुति हो, तो बनारस की जो नवोदित प्रतिभाएं हैं उनको एक राष्ट्रीय स्तर पे पहचान हमें लगता है कि
थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहेगा, क्योंकि उसका लाइव प्रसारण भी होता है, डिफॉल्ट लाइव भी होता है, तो हमें लगता है कि एक अच्छा रहेगा सर, अगर बच्चे आपके निर्देशन में आपकी अनुमति हो तो आए तो अच्छा। आपके जो और गतिविधियां चल रही है छोटा सा उनको सेटअप दे। अच्छा सर, सर मेरा नाम वस्तुतः ब्रजेश है, मैं नव भारत निर्माण समिति का सचिव हूँ और कुछ काम हम लोग सामाजिक रूप से कर रहे हैं। तो एक हमारा संस्थान है शिवपुर बाईपास पे, ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर हम लोग बहुत कर तो बहुत कुछ रहे, लेकिन एक आप लोगों के मतलब की चीज है कि संगीत से चिकित्सा पे हमारा काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि सर का जो 151 राग है उसमें मेरी रुचि एक और भी है कि उसका प्रयोग हम उस चिकित्सा पद्धति के रूप में भी कर सकेंगे। सर हमें बताएंगे और कुछ चीजें हम लोग भी करेंगे, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यह एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने की हम लोगों की योजना है, उसमें सर का मार्गदर्शन मिलेगा तो हम लोग सफल भी रहेंगे। दूसरी चीज, सर का जैसे जो व्यक्तित्व इतना विराट है लेकिन उसके साथ जितनी सहजता और सरलता है वो अपने आप में सीखने योग्य है, क्योंकि मैं तो जैसे कई लोगों से मैं मिलता हूँ तो कुछ लोग थोड़ा सा ही मान सम्मान पाने के बाद ही जमीन छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग जमीन पे बैठे रहे, जितना दुनिया में ऊपर हो जाए ठीक है, लेकिन जमीन मत छोड़िएगा। हम ये नहीं कह रहे बैठे रहिएगा जमीन पे, लेकिन छोड़िएगा ठीक है। तो वो हमें लगता है कि आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न और बहुत ज्यादा आपको मान देने वाला अंग हो जाएगा। हमारे अगर किसी से मतलब ना हो ठीक है तो हम उसकी ऐठन बर्दाश्त नहीं करते। अमूमन हमारा मतलब हमारा स्वयं से नहीं, आप सब भी नहीं करते ठीक है, मतलब वो तो थोड़ा होता है कि भाई मतलब पे तो गधे को भी बाप बनाना होता है ठीक है, लेकिन अमूमन अगर मतलब नहीं तो हम नहीं देते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग होने के साथ विनम्र है तो उसका हमारे जीवन पे एक अमिट छाप पड़ जाती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपके गुरु में ये गुण है, तो अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो आप निसंदेह बहुत आगे जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। और बाकी है कि कुछ आप हमारे संगत में आएंगे तो कुछ हम आपको जानेंगे, आप हमको जानेंगे, अपने मुंह से हम क्या कहें। धन्यवाद सर। ये भी एक बड़ा गुण होता है कि अपने बारे में ना बर्दाश्त आती हो, चाहते तो बोल लेते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। मुझे लगता है कि पांडव भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? थोड़ा सीधा रखना पड़ेगा आपको। नमस्कार। शिल्पायन से जुड़ाव तो हमें लगता है कि लगभग आरंभिक काल से ही है और प्राप्ति यहाँ आती रही है, और देवाशीष जी जब विद्यार्थी अवस्था में थे, विनोद लेले और लक्ष्मण तेलंग इन सब के साथ इनका बैठना भी होता था, रियाज होता था, तो उन दिनों का एक जो साथ रहा है अब तक बराबर जारी है, और शिल्पायन इनके मार्गदर्शन में लगातार शैशवावस्था से अब युवावस्था को भी पार करने की स्थिति में आ गया है, निरंतर ऐसा ही बढ़ता रहे। और हमें लगता है कि यहाँ जो विद्यार्थी सीख रहे हैं निश्चित रूप से बहुत भाग्यवान हैं, ऐसा गुरु मिलना जो कि पूरी तरह समर्पित और हमेशा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला है। बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह का समर्पण और विद्यार्थी की प्रगति कैसे हो, विद्यार्थी को मंच कैसे मिले, मंच पर आने के बाद जो उसके मन में डर होता है वो डर किस तरह दूर हो, इसके लिए जो इनका प्रयास होता है, और इनके साथ रागिनी जी हैं, सुगल्पा जी हैं और भी जो लोग लगे हुए हैं, सबका एक बहुत समन्वित प्रयास है और इनका मार्गदर्शन, वो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, जो सीसीआरटी की स्कॉलरशिप है या उसके बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है,
और इसलिए भी नहीं जाता कि हमको लगता है कि उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है सतत चलने वाली, सतत मार्गदर्शन करने वाली, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बहुत ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन गुरु जी का यह है कि नहीं, इनको मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या प्रयास करना होगा, कैसा मार्गदर्शन होगा, ये मिलता है। और उसके बाद आगे का प्रगति पथ, जैसे विद्यार्थी को जिस पर पढ़ना है उसमें आने वाली जो भी उसकी कठिनाइयां हैं, जो भी शिक्षा है, सारी चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। आकाशवाणी में भी हमको लगता है कि बहुत बार यहाँ के विद्यार्थियों का बच्चों के कार्यक्रम में, जो बाल संघ के नाम से है, उस कार्यक्रम में यहाँ के बच्चों की प्रस्तुति हुई है। आपके प्रयास नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल वो प्रक्रिया कहीं रुक गई है और उसमें कुछ तकनीकी बातें हैं, इस वजह से वो रुकी हुई है। लेकिन आज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वो प्रक्रिया हम फिर शुरू कर सकते हैं। उसमें जैसे पहले होता था कि शिल्पायन को एक मानधन दिया जाता था आकाशवाणी की ओर से, उसमें कहीं रुकावट है, और वो रुकावट इसलिए है कि वो अब संस्था के नाम या किसी स्कूल के नाम से जो मानधन दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। बच्चों को इंडिविजुअली दिया जा सकता है, तो उसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन कौन करे, उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड और बहुत तरह की दिक्कतें उसमें हैं। इस वजह से आकाशवाणी के जो संबंधित लोग हैं वो बचना चाहते हैं। हाँ। इस वजह से वो चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम, जैसा कि आपने कहा कि बस मौका मिले, तो वो मौका जरूर मिलेगा। ये है कि शिल्पायन वहाँ बच्चों के साथ उपस्थित हो, जो भी संगत करने वाले कलाकार हैं वो बच्चों के विकास की दृष्टि से, उनको मौका मिलने की दृष्टि से वो आए, और मैं प्रयास करूंगा कि हर महीने एक कार्यक्रम शिल्पायन का जरूर हो, जो हमारे बच्चे हैं उनको ये मौका मिले। और एक चीज और कहूंगा, मेरी बेटी यहाँ पर सीखती रही है, कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि अरे अब शिल्पायन में क्या रखा है, देवाशीष जी के पास जितना सीखना था सीख लिया, अब उसको भेजो बाहर, पुणे भेजो, मुंबई भेजो, लेकिन हमने इस कान से डाला और इस कान से निकाल दिया, क्योंकि हकीकत हम जानते हैं, पुणे और मुंबई की क्या स्थिति है हमें पता है। अभी एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था और जिसमें महाराष्ट्र से 300 श्रोता भी आए थे और महाराष्ट्र के ही कलाकार भी थे, उनके उनकी प्रस्तुतियां किस तरह की थी और बनारस की प्रस्तुतियां उससे अलग कैसे हैं, ये हम लोगों ने देखा है। इसलिए उन चीजों की ओर अगर कभी ऐसा आपको लोग कहते हैं तो उनको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा संस्थान, बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि जरूर पूरा प्रयास कीजिए सीखने का और आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कल्पना जी और या आप लोग को जो भी आ रहे उनको उधर नाश्ता करा के ही भेजो। सर उनको मिश्रा में करा दिया है, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते, थोड़ा बात करते। हम यहाँ आए थे, हमें बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त वहाँ मेरी फिजियोथेरेपी हो रही है, तो उसमें हम 10 तक गिनती नहीं गिन पा रहे, उनकी हालत खराब थी। तो हमने ये पूछा वहाँ पर, यहाँ आए थे तो लोगों ने कहा कि मतलब अगर आप जैसे करते हैं तो उसको खोजिए और वहाँ जाइए। तो फिर मेरी वही फ्रेंड जो संगीता है जी, उसी ने जो है मतलब खोजा, तो वो शारदा जी जो थी उनसे बात की, उन्होंने भी आपके पास समय के जाए। तो शायद हम जिस दिन पहले दिन आए थे तो उस दिन हम सप्तक का सार नहीं लगा जी जी, और हम चेहरे मतलब बैठ भी नहीं पा रहा नीचे, रागनी मैम हमें बोली कि वही से बैठ के गाइए जितना गा सकती है उतना गाइए। तो
तो ऐसे हमने रिले किया हुआ है राजघाट से, तो फिर हमने कहा कि ठीक है हम आते हैं, और आज प्रिपेयर भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और शायद कर भी लेंगे। में हम लोगों ने एक लेवल टेस्ट आज आयोजित किया है, और जो विद्यार्थी हैं उनको सबको पता होगा इसके बारे में। ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, शिल्पायत का अपना एग्जाम है, और इसको पास करना मतलब एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। और हमारे जयप्रिका दे और डालिया मुखर्जी ने ये परीक्षा सेक्रेटरी को देनी चाहिए, तो मैं दे चुका, और जो धन्यवाद अध्यक्ष जी को दे रहा था उन्होंने दे दिया, इसलिए आज की कार्यवाही उल्टी ही सही लेकिन हो चुकी है। और आप लोग के आने का वास्तव में हमें हृदय से आभार है, और आप लोग ऐसे ही आए रहेंगे और हमारे शिल्पायन के बच्चों से जुड़े रहें।